सलीम भाई आपकी तरफ आते हुए साउथ अफ्रीकन बैटिंग पे भी हमने बात की, सूर्य कुमार यादव 40 balls 68 runs, गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं उसने कितनी शानदार इनिंग खेली है ना, और अभी हम रिजवान से भी उसका कंपैरिजन कर रहे थे यार, वो हम यही ऊपर बात कर रहे थे कि मैं यार इस बंदे से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, यादव से इसलिए कि उसने अपनी रैंकिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और उसके बरखिलाफ खेला, और उसने मतलब ये नहीं सोचा कि यार मैं अपने लिए खेलना है, मैंने 60 स्कोर करना है, बेशक 60 बोले हों, तो ये मेरा ख्याल वो ये ज्यादती कर गया, किसी को पीर बना ले वो। ये होना तो यही चाहिए था ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम इसलिए स्लो खेलते हैं कि यार मेरा एवरेज बढ़ जाए, मेरी विकेट ना चली जाए, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आप ये सोच के जाएं कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ और मैंने यार जाके पाकिस्तान के लिए मैच जीतना है, तो फिर अपनी आप एवरेज की तरफ नहीं जाएंगे, फिर आप जाएंगे कि यार बेशक आप उस दिन देखे जिसने 100 किया फिलिप्स ने, उसने 96 पे भी चौका मारा था, वो 4 बॉलों पे सिंगल्स कर सकता था, मगर बात फिर वही है कि वो होता है कि यार हम क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, मगर नहीं, उन लोगों को गेम की सेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं, वो फालतू में इस तरह के शॉट्स बोलना वो फालतू में जाने इस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं, चाहिए वो अपना 100 पक्का करें, 50 पक्का करें, ये चीज़ें जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। आपको अगर आप खेल रहे हैं तो फिर आप सिचुएशन के पीपल आर स्टार्टेड कॉलिंग इट सेल्फिश 50 और सेल्फिश 100, ये तो हो रहा है, ये तो बहुत देर से हो रहा है यार। हम बार बार कहते हैं कि टाइम चाहिए, हमारे ओपनर्स को टाइम चाहिए चाहिए, फिर वही आता है यार कि ये रोज सलीम भाई एक ही चीज़ को एक सवाल आप दोनों की इजाज़त से, ये वर्ल्ड कप में हमारा जो भी सफ़र है, जो भी मामलाते हैं, खैर अब ये जीतेगा वो बारिश होगी फलाना गिर जाएगा, इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजमेंट है, प्लेयर हैं, कैप्टन हैं, क्या देख रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मामला यार? हमेशा से ये होता है कि आके शायद कैप्टन चेंज हो जाए, शायद सिलेक्टर चेंज हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। माइंडसेट जा रहे हैं वैसे, सकी भाई की लास्ट असाइनमेंट, सकी भाई की तो वैसे लास्ट असाइनमेंट थी, नहीं सकी की बात नहीं मैं कह रहा, ये नॉर्मली आमिर आप देखो हमेशा कप्तान पे मलबा गिरता है या सिलेक्टर पे गिरता है टीम, हालांकि ये मलबा बहुत पहले से गिर जाना चाहिए था, साल डेढ़ जब रमीज आया था रैम्बो को पता था कि आते ही उसने टीम चेंज की थी, तो उस वक्त ही फिर चेंज कर देना चाहिए था ना इस बंदे को, उसकी एबिलिटी का उसी टाइम उसको पता चल जाना चाहिए था यार। और भी बहुत सारे लोग हैं इस टीम में जो मुदस्सर भाई की जगह डेढ़ टेस्ट मैच खेले हुए हैं, एकेडमी का डायरेक्टर लगाया हुआ है, किसी को डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए जुनेद को लगाया हुआ है, मतलब ये इन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान के लिए, क्या किया, बहुत सारे मसाइल अच्छा, हैं। आपके अलावा आप दोनों से भी जब बात होती रही, खैर तो एक चीज़ आप बार बार कहते रहे कि जो प्लेयर्स हैं उनकी गलती नहीं है, वो लैक नहीं कर रहे, ये मैनेजमेंट का, सेलेक्टर्स का, इन विकी भाई से शुरू करता हूँ, तो ओवरऑल जो हम गेम अवेयरनेस की भी बात करते हैं तो इंडिविजुअल प्लेयर पे एज अ इंडिविजुअल आप पर भी रिस्पांसिबिलिटी आती है। सर मैं आपको थोड़ा सा प्लेयर की साइकी बता देता हूँ, हम तीन प्लेयर्स हैं यहाँ पे बैठे, एज अ प्लेयर जब आपसे कभी नहीं हो रहा होता ना तो आपका ये भी दिल करता है कि यार मैं ना मुझे खेलना ही नहीं है थोड़ी देर के लिए, ओके आई वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम इट, मैं ना एक मेंटल पीस चाहता हूँ जैसे विराट ने किया, ठीक है मुझे एक मेंटल पीस चाहिए, मुझे एक ब्रेक चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले बिकॉज मेरे से हो नहीं रहा। अच्छी चीज़ उनको ये मिल रही थी कि उनको सपोर्ट बार बार मिल रही थी कि आप खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। अब एक प्लेयर का कभी मैं भी हूँ जब मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो ऐसा टाइम मेरे पे आता है कि मेरा दिल करता है यार अब मैं मैच ना खेलूँ, क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर एक एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है, लोग करते हैं कि जब मैं खेलूँ तो मैं परफॉर्म करूँ, मैं 10 मैच खेलूँ 10 में से 6-7 में करूँ, 4 फेल भी हो सकते लेकिन 6 में एटलीस्ट करके दूँ मैं टीम। लड़कों का कसूर इसलिए नहीं है कि वो बेचारे कोशिश तो कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, प्रैक्टिस सेशंस भी कर रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर वो एक इतना ऐसे डेवलपमेंट होना शुरू हो गई प्रेशर की कि वो उससे बाहर अभी तक आ नहीं सके। हमने किसी को कंसिस्टेंटली अभी भी रन्स करते हुए नहीं देखा। बिल्कुल सही है। सो डिसीजन मेकर कौन है जो इनके साथ चला, जिन्होंने इनको प्रसिस्ट किया, ठीक है, जिन्होंने इनको किया। बात फिर वही आ जाती है कि एटलीस्ट यू नो कि आपके मिडिल ऑर्डर में शायद एक या दो लड़के ऐसा नहीं कर रहे होते, बाकी कर रहे होते तो कभी इस बारे पे बात ही नहीं होनी थी। जब आपका मिडिल ऑर्डर टोटली कोशिश करने के बावजूद स्कोर नहीं कर सका तो उनके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर था, तो व्हाई डोंट किसी एक को पहले भी बात की थी कि हम रेस्ट देके कोई एक एक्सपीरियंस प्लेयर बीच में ले आते। सही है, इसकी मैं एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ
बॉलर मेन बॉलर टीम में खेल रहा हूँ राइट, और मेरे साथ दो यंगस्टर हैं टीम में, बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, और अगर जैसे मुझे ऊपर से कुट लगेगी ना वो वैसे ही वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे कि हमारा जो सीनियर बंदा है जो मोस्ट एक्सपीरियंस है इसको मार पड़ रही है, पता नहीं हमारा क्या होगा। माइंडसेट की बात है ना, कई दफा होता है कि आप जैसे सोचते हो जीतेंगे तो क्या होगा, हार जाएंगे तो क्या होगा, दो डिफरेंट माइंडसेट है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है एक नेगेटिव माइंडसेट है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, क्योंकि आपके ये जो दो ओपनर हैं ये दो साल से हर सीरीज खेले हर सीरीज खेले और यही रन कर रहे थे, ऊपर से किसी को सही तरह नीचे मौका नहीं मिल रहा था। अगर आप छोटी छोटी सीरीज मिस की होती ना और यंग लड़के खेल रहे होते वर्ल्ड कप से पहले 15-15, 20-20 मैच उनके पास होते ठीक, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ आते। हुआ क्या, ये दोनों आपके मेन थे, आप सारे बात यही कर रहे थे कि जी पाकिस्तान टीम इन दोनों के बगैर कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर, एक माइंडसेट बना हुआ था। जैसे वो वर्ल्ड कप में आके फ्लॉप हुए ना, ऑटोमेटिकली माइंडसेट चेंज हो गया दूसरे लड़कों का भी, वो भी अंडर प्रेशर हो गया, क्योंकि ये आपके जो लीडर्स थे वो आए जब अंडर प्रेशर में तो माइंडसेट चेंज हो गया, तो फिर एक दूसरे की जब आप देखते हैं ओहो इससे भी नहीं हो रहा, ओवरऑल मोरल नीचे आ गया, मोरल नीचे आ। मगर आमिर मैं ना, आपने बिल्कुल ठीक बात की है, मगर मैं जब इंग्लैंड के साथ ये सीरीज खेल रहे थे ना, बार बार मैं कह रहा था कि इंग्लैंड, आपको याद है कि इंग्लैंड आई है यहाँ वर्ल्ड कप की तैयारी करने, वो हर लड़के को चांस दे रही है, बॉलर्स को भी चांस दे रही है, बैट्समैनों को भी चांस दे रही है, हम क्या सोच के खेल रहे हैं कि हमने सिर्फ ये मैच जीतना है। हाँ जी। हम तैयारी नहीं कर रहे, हम तैयारी नहीं कर रहे, हम बार बार मैं कह रहा था, मगर बात यह है कि हमने तैयारी, जैसे आपने कहा कि चांस देना चाहिए था, हमने क्यों नहीं चांस दिया, डर है ना कि यार ये स्कोर कर गया तो मैं, हालांकि अगर एज ए टॉप बैट्समैन जो आपको रैंक में रैंकिंग में बहुत सारे प्लेयर्स के साथ कंपेयर किया जाता है, तो अगर आपके डर है तो फिर बाकी कोई भी बंदा जो है वो कहेगा यार मैं क्यों पोजीशन छोड़ूं। अच्छा सलीम भाई, बात यह है कि जब हम तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन की, बात इतने सी है कि देखें हमारे नो डाउट ये दोनों लड़के बहुत देर से स्कोर कर रहे थे और हमें उसका नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बट बात जब हम छोटी टीमों के साथ खेले हैं इस साल, जब हम नीदरलैंड के साथ खेले हैं, जब हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले, ये मौका तो आपको उस वक्त यंगस्टर्स को या मिडिल ऑर्डर को देना चाहिए था ना कि आप आओ और आप खेलो, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर विकी यार, विकी आप देखो कि ये जितनी भी पिछली सीरीज हुई हैं इन दोनों ने बहुत स्कोर किया, मगर आप जब कभी भी फंसे हैं तो आपने कभी, आपने ये नहीं हुआ कि वहाब बैटिंग यार नीचे वहाब है ये स्कोर करेगा, कभी वहाब ने कर दिया, कभी आमर ने दो छक्के मार दिए, कभी मैंने मार दिए, कभी आपने मार दिए, कभी आपने मिडिल ऑर्डर में हमने किसी एक बैट्समैन पे ये नहीं हमें हुआ कि यार वो फलां बैट्समैन पीछे पड़ा है ये हमें उम्मीद मैच निकाल देगा, मगर हमेशा यही होता रहा, कभी नवाज ने छक्के मार दिए, कभी आसफ ने मार दिए, कभी तनवीर, मतलब इफ्तिहार ने, हम कोई एक बैट्समैन आपको नज़र आ रहा था कि हमारी टीम में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं है, मगर हमने तो नए लड़कों को चांस ही नहीं दिया, चांस ही नहीं दिया। सलीम भाई इसमें जो आप बात कर रहे हैं डर वाली, हमने चांस ही नहीं दिया, वही उन्हीं को मतलब हमारे गेंस, हमारी ए प्लस साइड के गेंस, बेन डकेट खेल गया, विल जैक्स खेल के चला गया, ग्लीसन खेल के चला गया, वो सारे खेल के गए, ये जो इनके मेन प्लेयर थे एक मैच खेलते थे एक रेस्ट, एक मैच खेलते थे एक रेस्ट, वो सारे नए लड़कों को लेके जा रहे हैं। इंग्लैंड की सीरीज देख लो आप यार, उन्होंने बी टीम खिलाई है आपके खिलाफ, सारे ने वहां वर्ल्ड कप में एक बंदा नहीं खेल रहा, उनमें कुछ बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो वो नहीं खेले। सलीम भाई प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया यार, आप अच्छा ठीक है, अच्छा किया चले। बहरहाल टीम पाकिस्तान का सफर मुश्किलात का शिकार है, आगे कोई जीते कोई हारे, बारिश तूफान आंधियां, इस तरह के मामलात हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी।